नमस्कार दोस्तों, मैं शीला द होमी मील्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेज सोया कीमा मसाला, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए बनाते हैं इसे। तो सोया कीमा मसाला बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 कप सोया चूरा लिया है। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो सबसे पहले इसे हमें भिगोना है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसे इसमें हम डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी, और इसमें हम पानी डालकर अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे भीगने के लिए। और जब तक ये भीग रहा है, तब तक हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे 2 से 2.5 चम्मच दही। तो दही आपको एकदम फ्रेश लेनी है, खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें, और 1/2 छोटी चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा। और 1/2 छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, और इसे डालकर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये पेस्ट अभी थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी, और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, ये मसाले का पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। और इधर ये सोया चूरा भीगे हुए भी 8 से 10 मिनट हो गया है, ये अच्छे से भीग कर फूल गया है, आप देख सकते हैं इसे। तो इसे अब हम छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है, इसमें इसे हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसे बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि इसमें जो एक स्मेल सी होती है वो धोने से एकदम निकल जाएगी। तो आप चाहें तो इसे चलते हुए पानी यानी कि रनिंग वाटर में भी धो सकते हैं, या फिर इस तरह से पानी डालकर इसे अच्छे से धो लीजिए। और धोने के बाद इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, तो उसे आप चाहे तो इस तरह से दबा दबा कर, या फिर हाथों से अच्छे से इसे निचोड़ लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से इसके अंदर का जितना भी पानी है हमें निकालना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब निकल चुका है, ये बहुत अच्छे से सूख गया है, आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम इसकी सब्जी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और तेल गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे सोया चूरा, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा चिपकेगा तले में, पर ये जैसे जैसे फ्राई होगा फ्रेंड्स, वैसे वैसे ये चिपकना बंद हो जाएगा। और इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए आप फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चिपकना बंद हो गया है तले में, और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है। देखिए इसका कलर, बस इतना ही फ्राई करना है हमें, और इसे फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लग गया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसे हम रख देते हैं साइड में। और सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो आप चाहें तो इसे आप देसी घी में भी बना सकते हैं। और तेल गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, और इसी के साथ इसमें हम 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, और 3 से 4 इसमें हम लौंग डालेंगे, और 3 से 4 हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। तो इन सबको डालकर इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को डालकर इसे हमें सुनहरा होने तक अच्छे से भूनना है। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज का प्याज लिया था, उसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है, और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू हाई रखना है। तो ये अभी हल्का सा भून गया है, तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसी के साथ इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, और इसमें बहुत बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है। इसे फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लग गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रखेंगे, और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है। तो इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये मिर्च तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, पर कलर बहुत बढ़िया आता है इससे। तो अब इसमें जाएगा टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, और इसे इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है, पर आप चाहे तो इसकी आप प्यूरी भी बनाकर डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो फ्रेंड्स, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें इसमें, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और ये अच्छे से भून जाएगा। तो ये देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और ये बहुत अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं इसे। तो अब इन मसालों को हम थोड़ा सा साइड में कर देंगे, और इसमें हल्का सा हम स्पेस बनाएंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना देसी घी। और अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो 1 चम्मच बेसन लिया है मैंने, इसे इसमें हम डाल देंगे, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए और ये अच्छे से भून जाए। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम लो रखना है, और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए इसे आप अच्छे से भून लीजिए। तो आप चाहें तो इसे अलग से भी भूनकर मसालों में मिला सकते हैं आप, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्जी में, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स।
तो ये देखिए, ये बेसन हमारा भुन गया है और इसे भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बस 2 मिनट में ये भुन गया है। तो इसे हम इन मसालों में मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे दही वाले मसाले जो हमने दही के साथ भिगा के रखे थे, और इसे डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ये पानी मसालों का, और पानी डालकर मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल ना सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला अच्छे से पक ना जाए। और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और इसे पकने में 2 से 3 मिनट लगा है, और इसमें आप देख सकते हैं तेल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अब इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मटर। तो मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिया है, आप इसमें फ्रेश मटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए, इसे पकते हुए 2-3 मिनट और हो गया है, और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया कलर आया है, और ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सोया चूरा जो हमने फ्राई करके रख रखा था, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लीजिए, इस तरह से अच्छे से इसे मिला लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, तो 1 से 1.5 कप पानी इसमें हम डाल देंगे, और पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमें ढककर 8 से 10 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और ये अच्छे से पक जाए, और पककर अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, 8-10 मिनट हो गया है इसे पकते हुए। तो इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे, और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह से मिक्स करते हुए और पकाएंगे इसे, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इस स्टेज पे इसमें हम डालेंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्च और स्लाइस किया हुआ अदरक, साथ ही साथ फ्रेश धनिया इसमें हम डाल देंगे, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ढाबा स्टाइल सोया कीमा मसाला बनकर तैयार है खाने के लिए। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना जूसी, लाजवाब और मज़ेदार बना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए, चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो इसे आप रोटी, पराठा, नान या फिर ब्रेड किसी के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगेगा। तो इस तरह से सर्व करके इसके ऊपर अदरक की स्लाइस, हरी मिर्च और बटर से इसे हम गार्निश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।